वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेक एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। ये वीडियो आज पर्टिकुलरली जो हम कास्ट कर रहे हैं वो कास्ट कर रहे हैं बैटरी इंडस्ट्री में होने वाले एक ऐसे धोखे के लिए जो कि बड़े ब्रांड्स प्रिंट करके कर रहे हैं और छोटा व्यापारी उस ट्रैप में फंस जा रहा है। खाली केवल व्यापारी ही नहीं, कस्टमर भी उस ट्रैप में फंस जाता है। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिन टर्म्स में उलझाकर ग्राहक को बड़ी गारंटी का धोखा दिया जाता है और जो छोटा मैन्युफैक्चरर है वो चाहकर भी इस ट्रैप को तोड़ नहीं पाता। एग्जाम्पल बतौर बताता हूँ, जब मेरा कोई सेल्स पर्सन किसी काउंटर पे बैटरी सेल करने के लिए जाएगा और वो बोलेगा मेरी 150 एम्पेयर की बैटरी 2 साल गारंटी में 8,400 रुपये की है, तब सामने से डीलर उसको इस तरीके से हड़काना शुरू करेगा। वो बोलेगा कि एक्स वाई जेड कंपनी, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है वो ल्यूमिनस हो, एक्साइड हो, एमरॉन हो, कोई भी बड़ा ब्रांड हो सकता है। वो कहता है कि जो बड़े ब्रांड की बैटरीज हैं वो 54 महीने गारंटी में आपसे 100 रुपये कम कीमत पे आती है। अब यहाँ पर उस डीलर को समझाना बड़ा मुश्किल है कि उसमें फ्लैट गारंटी 24 ही महीने की है, जबकि बाकी जो गारंटी है वो प्रो राटा बेस पे है। ऐसा ही कुछ कस्टमर के साथ भी होता है। अगर आप रिटेल काउंटर रन करते हैं तो अगर आप किसी सेमी ब्रांड की बैटरी को सेल करते हैं और आप उसको बताते हैं कि मेरी बैटरी की फ्लैट गारंटी 3 साल की है, तो वो आपसे लड़ेगा और कहेगा कि साहब एक्स वाई जेड कंपनी की बैटरी आपसे 200, 400, 600 रुपये कम में 5 साल गारंटी की मिल रही है या 6 साल गारंटी की मिल रही है, जबकि उस पर क्लियरली जितने मंथ की गारंटी होती है उसके ऊपर एक स्टार लगा होता है। जैसे लेडीज़ के माथे पे बिंदी नहीं लगी होती कि ये शादीशुदा है, वैसे ही आपकी बैटरी पे स्टार अगर लगा हुआ होता है तो इसका मतलब कि इसमें कुछ भी चीज़ें हिडन हैं, कंडीशंस अप्लाइड हैं। ग्राहक को व डीलर को ये चीज़ समझानी एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। कंपनीज ने 10-10 साल गारंटी की बैटरीज मार्केट में कोट करना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल बतौर समझिए, 24+24, 36+18, 36+36, 48+48 और 60+60। क्या लॉजिक है भाई, क्यों दुनिया का बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं प्रो राटा बेसिकली टर्म क्या है। किसी भी तरीके से कस्टमर को समझाने के लिए इस प्रो राटा टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस वीडियो को कास्ट करने का रीज़न भी केवल एकमात्र ये था कि जो छोटा वेंडर है वो प्रो राटा को समझता भी नहीं। उसको डब्बे पे प्रिंट मिलता है, वो कहता है साहब हाँ इतनी गारंटी। अब इसमें 2 लॉसेस वो बुक करता है, एक कि उसने अपना कस्टमर कंपनी को दे दिया। कंपनी को देने से मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने ल्यूमिनस की बैटरी आज लगाई और मैंने 4 साल गारंटी की बैटरी लगाई जिसकी कि फ्लैट गारंटी 2 साल है। अगर वो बैटरी 2 साल से 3 साल चल जाती तो हो सकता है ग्राहक ही उसको भूल जाए कि इसकी कितनी गारंटी, और अगर वो नहीं भूलता तो वो क्लेम करता है कंपनी से। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी के टोल फ्री उसको बताते हैं कि साहब आपकी गारंटी इतनी थी, इसमें प्रो राटा बेस गारंटी है, आप इसको इतना पैसा और दे के। मैं प्रो राटा पे भी आऊँगा, पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो वो कस्टमर अब वो उस शॉपकीपर का नहीं है, अब वो पर्टिकुलर ब्रांड का कस्टमर है। उसने ल्यूमिनस यूज़ किया, उसने एक्साइड यूज़ किया, कुछ भी वो हो सकता है, वो उसका कस्टमर है। अगर वो बैटरी अंडर गारंटी ख़राब होती है 24 महीने के बाद, तो वो किसी भी सूरत में चाहेगा कि मेरा डीलर या मेरा वेंडर उसको बदलवा के दे, जिसमें वो असक्षम होगा। क्या 24 महीने के बाद 25वें महीने में बिना कुछ चार्ज लिए वो बैटरी को रिप्लेस करा सकता है? नहीं, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में या तो ग्राहक उससे नाराज हो जाएगा, अब वो कहेगा मैं आपसे बैटरी ही नहीं लेता, मैं किसी और से बैटरी लूँगा, चूँकि बैटरी खरीदते टाइम उस डीलर ने उसको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी। उसको लगता था कि मैंने माल बेच दिया, ये जाने और कंपनी जाने। पर एग्जैक्टली इसका पेन आने वाला था 24 महीने के बाद में, जबकि 24+24 की बैटरी आपने उसको बेची थी। या जब आप उससे कहते हो कि साहब मैं आपकी बैटरी रिप्लेस करा दूंगा और वो उससे पैसा चार्ज करता है, वो 50% भी हो सकता है, वो 30% भी हो सकता है, एज पर प्रोराटा कंडीशंस ऑफ कंपनी। कुल मिला के यहां पर ग्राहक के ऊपर बर्डन पड़ा, ग्राहक ने आपको आप पे से फेथ खो दिया। बेनिफिट कंपनी को मिला, लॉसेस आपने बुक किए। अगर आप उनको ये क्लियर करते हो कि प्रोराटा काम कैसे करता है तो शायद आप सेमी ब्रांड को बेचना ज़्यादा प्रेफर करेंगे।
आते हैं इस पॉइंट पे, प्रोराटा क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक बैटरी 150 Ah की 18 महीने गारंटी की 10,000 रुपये की है, कस्टमर की, ये MRP की मैं बात कर रहा हूँ, कस्टमर के प्राइस नहीं है। कोई भी बैटरी MRP पे कभी नहीं बिकती। अब वो बैटरी जो 10,000 वाली थी वो 8,500 रुपये की कस्टमर को बिकने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 8,500 की बैटरी आपने कस्टमर को दे दी 18 महीने की गारंटी के साथ में, वहाँ पर 18+18 का स्टिकर लगा हुआ, 36 महीने की गारंटी लिखी हुई है। सेमी ब्रांड जो हैं वो 36 महीने की गारंटी की बैटरी 9,500 रुपये की तक भी आपको दे देते हैं। बनस्पत इसके आपने XYZ ब्रांड की बैटरी 8,500 रुपये की 36 महीने गारंटी मिली, आपने सोचा कि आपने किला जीत लिया एज ए कस्टमर, या एज ए डीलर अगर आप बात कर रहे हो तब भी आप सोचोगे कि हमने यहाँ बाजी मार ली, हमने 9,500 रुपये की बैटरी नहीं ली, हमने 8,500 रुपये की बैटरी ले ली। पहली चीज़ तो यहाँ पर AH में फ़र्क होगा, यानी कि वेट में, एक्टिव मटेरियल में फ़र्क होगा, और उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि वो फ़र्क को भी अगर हम इग्नोर कर दें तो गारंटी यहाँ पर 18 महीने की है, 36 महीने फ्लैट नहीं है। अब अगर बैटरी आपकी 19वें महीने में ख़राब होती तो कंपनी क्या करती है, अगले 36 महीने को या तो 3-3 महीने के टर्नओवर में बांट देंगी, या फिर एज पर नॉर्म्स 6-6 महीने के टर्नओवर में बांट देंगे। अगर आपकी बैटरी 18 महीने से लेकर 21वें महीने तक खराब होती है तो यहां वो डिस्काउंट कोड करते हैं एज ऑन MRP। जो कि बैटरी 8,500 की ही बिकी थी, उस बैटरी की MRP 10,000 है, और वो डिस्काउंट कोड कर रहे हैं 40%, 50%, 30%, जो भी एज पर कंपनी हो सकता है MRP पे। MRP पे अगर मैंने माना 40% डिस्काउंट कंपनी ने आपको दिया 3 महीने के पीरियड में, और 40% आपने उसको अवेल किया तो किससे किया, MRP से अवेल किया, जो कि MRP पे बैटरी बिकी नहीं थी। कस्टमर एंड पे यानी कि 40% डिस्काउंट देके 60% पैसा अगर कस्टमर और देता है और वो पुरानी बैटरी देता है तो उसको नई बैटरी प्राप्त हो जाती है। अब यही बैटरी अगर 18 से 21 हो गया, 21 से 24 महीने में बिकी है, 24 से 29 महीने के बीच में गई, तो ये परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो डिस्काउंट है वो और कम होता चला जाएगा। अब माना हमने लास्ट की साइकिल में 36 महीने से 33 से 36 महीने की साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो केवल 15% का डिस्काउंट है, जबकि बैटरी 15% के डिस्काउंट पर ही बिकी थी। 10,000 की बैटरी 8,500 रुपये की बिकी थी 15% डिस्काउंट में, और 15% डिस्काउंट कंपनी दे रही है उसको कब, जब वो प्रोराटा गारंटी क्लेम करने जा रहा है। तो यानी कि कब बैटरी तो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पर ही बिकी, उसमें डिस्काउंट कहाँ मिला कस्टमर को। अगर वो पुरानी बैटरी देके नई बैटरी भी खरीदता है तभी भी वो प्रॉफिट में है। प्रोराटा का जो खेल है वो खेल MRP से शुरू होता है, तो MRP और जो डीलिंग प्राइस है उसमें अच्छा खासा स्लैब होता है। मैंने तो एग्जांपल आपको 10 दिया, जो बैटरी 10,000 की मैं बता रहा हूँ वो नॉर्मली जो उसकी कॉस्ट डब्बे पे प्रिंट होगी वो 12-12.5 हज़ार होगी। तो कस्टमर एंड पे तो आप लॉस में हो ही हो, डीलर एंड पे भी आप लॉस में हो। डीलर एंड पे भी अगर प्रोराटा में कंपनी को वो रिप्लेस कर देते हैं, कंपनी इसको रिप्लेस करके बैटरी दे रही है, तो कंपनी अपना पूरा पैसा ले रही है, आपको बाध्य कर रही है अगले 3 साल तक 18 महीने की बैटरी पे 3 साल तक आप कस्टमर से 1 रुपया नहीं ले सकते। क्या प्रोराटा पे अगर बैटरी आपकी क्लेम होगी तो कंपनी उसमें से कुछ भी प्रॉफिट आपको देगी, अगर गारंटी में बैटरी है तो। माना बैटरी मैं फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने 5 साल की बैटरी पे 5 साल का प्रोराटा दे दिया और हर साल 10% का स्लैब मैंने डिस्काउंट में कोड कर दिया, और मैंने MRP रख दिया उसका आज की डेट में 10 साल गारंटी की बैटरी की MRP मैंने रख दी 22,000 रुपये, वो बैटरी 11-12 हज़ार रुपये की बिकनी। दोस्तों बड़े बारीकी से समझिए इसको, 11-12 हज़ार रुपये की बिकने वाली बैटरी की MRP 22,000 रुपये है। अब अगर वो डिस्काउंट मेरे से कोड करेगा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल की बैटरी की मेरी लाइफ है, 5 साल के बाद में अगर वो मेरे से डिस्काउंट कोड करेगा तो वो 40%, 30%, तो वो तो ऑलरेडी मैं यहाँ डिस्काउंट में दिए बैठा हूँ डीलर को। डीलर अगले 10 साल तक उससे 1 रुपया नहीं कमा सकता, चूंकि उसके हिसाब से उसकी बैटरी गारंटी में। तो ये झोल है, इस झोल से जो छोटा दुकानदार है या छोटा मैन्युफैक्चरर है वो इन चीज़ों को अपने बॉक्स पे अपनी बैटरी पे प्रिंट नहीं करता, कंपनीज इन चीज़ों को प्रमोट करती हैं। सचिन तेंदुलकर का ऐड लगता है, विराट कोहली का ऐड लगता है, अक्षय कुमार का ऐड लगता है, धोनी का ऐड लगता है, और वो इसको प्रमोट करते हैं किस तरीके से कि हायर बैटरी रेंज जिसमें गारंटी ज़्यादा आ रही है वो बैटरी आप खरीदिए। डीलर एंड पे जो छोटा मैन्युफैक्चरर है वो इन चीज़ों को कोड नहीं करता, वो तो फ्लैट गारंटी पे विश्वास रखता है,
देखिए यहाँ कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि आवाज़ आप तक क्लियर जानी चाहिए, इसलिए हम लोग ये करते हैं। सॉरी, ये सारी चीज़ें प्रोडाटा के फेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे कहीं पर भी प्रोडाटा अगर आपको कंपनी दे रही है तो आपको इंडिविजुअली कोई फ़ायदा नहीं है, ना डीलर को इससे कोई फ़ायदा है, ना कस्टमर को इससे कोई फ़ायदा है। इस एग्जाम्पल को बार बार समझ के देखिए, इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर कंपनी सारा कुछ भी दे दे, मतलब वो कहते हैं कि गारंटी के बाद में प्रोडाटा गारंटी में बैटरी नहीं भी दे रही है, तब भी वो पैसा आपसे पूरा चार्ज करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, प्रोडाटा का खेल समझ में आया होगा, कैसे 24+24, 36+18 और 60+15, भगवान जाने क्या क्या किसके +15, जो प्लस है वो केवल और केवल लॉलीपॉप है, वो ना कस्टमर के एंड की कोई चीज़ है, ना डीलर के एंड की कोई चीज़ है। डीलर उसको साइलेंटली बेच तो देता है, पर डीलर एंड पे वो ये नहीं समझता कि अगर गारंटी कंपनी से वो क्लेम करने कस्टमर जाएगा तो जितने ज़्यादा गारंटी की बैटरी उसने बेची है, क्योंकि प्रॉफिट्स तो उसने उतने ही लिए, उतने ज़्यादा टाइम तक कस्टमर केवल और केवल कंपनी का है। डीलर को एक सिंगल रुपी भी कंपनी ऑफर नहीं करेगी अंडर गारंटी बैटरी के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को स्प्रेड आउट कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्रोराटा के खेल से बच के रहिए।